अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की जॉब्स अपडेट में आपको बताने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 600 से ज़्यादा न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट, लास्ट डेट कब है, उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें, 608 यानी 608 टोटल नंबर ऑफ न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। याद रहे 608 न्यू टोटल नंबर ऑफ न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। वहीं पर बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरे भारत से तमाम मेल फीमेल कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL के अंदर तमाम की तमाम वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, अगर आप सिर्फ 10th विद ITI पास है तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फुल डिटेल्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे दो, आप क्लिक करके फुल डिटेल्स एक बार जरूर चेक कीजिए। अगर आप सिर्फ 10th विद ITI पास है तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो आप इन तमाम वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, आप इन तमाम वैकेंसी को 1 जुलाई 2020 से लेकर 22 जुलाई 2020 तक आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर बात करें एज लिमिट की, कम अज़ कम 21 ईयर रखा गया, मैक्सिमम 40 ईयर रखा गया। 21 से लेकर 40 ईयर के दरमियान तमाम अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वहीं पर SC ST and PW कैंडिडेट को 700 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वहीं पर बात करें अब इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस की, आपका रिटन एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन, पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पे स्केल के बारे में बात करें, बढ़िया पे स्केल रहने वाला आपका फर्स्ट पे स्केल 27,000 के आसपास रहने वाला है। बढ़िया पे स्केल रहने वाला आपका फर्स्ट पे स्केल 27,000 के आसपास रहने वाला है। फुल डिटेल्स के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.jobsupdate24.com पर जा सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली जॉब्स अपडेट में एक नई अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।